सेक्शन विदिन चैप्टर 6.3, उसमें क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो थे वो मैंने बोला था कि हम लोग जूम क्लास में करेंगे, राइट? सो दैट विल डू इट इन दैट जूम ओनली. और उसके नीचे है ब्रेन वर्कआउट, वो हम लोग अभी करेंगे. फिल इन द ग्रिड इन सच अ वे दैट एवरी रो एंड कॉलम कंटेन द फॉलोइंग 4 शेप्स. आपको ग्रिड ऐसे फिलअप करनी है कि जितने भी आपने जो शेप्स दिए ना, स्टार, सर्कल एंड ट्राइंगल और पेंटागन, तो वो सब आपको हॉरिजॉन्टल भी चारों शेप्स आने चाहिए और वर्टिकल भी चारों शेप्स आने चाहिए, ठीक है? सो दैट आई एम डूइंग इट ऑन द बोर्ड. जस्ट हैव अ लुक. Triangle, circle, star, 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 star.
QRST UVWXYZ ABC, उसके रूल्स कौन से है? NOPQRST UVWXYZ, ये उसके रूल है, ठीक है। अब हमें डिकोड करना हो तो पहले तो लिखते थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट डाउन, दैट इज DOZDBB. And EF KDSSB. सबसे पहले D, तो D का कोड है A, फिर है O, O का कोड है L, फिर Z, Z का कोड है W. फिर D का तो वापस A, B का कोड है नीचे दिया है Y, और V का कोड है S. ऑलवेज देखो, इसका कोड डिकोड किया तो क्या हुआ, ऑलवेज. फिर E, B, H, E, ऑलवेज B. अब है K, K का है A, सॉरी H, फिर D का A, S का P, और B का तो मालूम ही है Y. सर डिकोड किया मैसेज तो क्या निकला, ऑलवेज बी हैप्पी. ओके, इसका सेकेंड है वो आपको करना है, दैट वुड बी योर होमवर्क. रिक्रिएशन कॉर्नर, ये ड्रॉ करना है मंकी. ड्रॉ द राइट हाफ सच दैट इन सिमिलर टू द लेफ्ट हाफ टू द मास्क. ओके, कलर द पिक्चर, फिर आप कलर कर देना. आपको ये ट्रेसिंग पेपर से करना हो तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्लैश बैक. नंबर वन, रिफ्लेक्शन इज अ फ्लिप ऑफ अ शेप ओवर अ लाइन कॉल्ड द मिरर लाइन और द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, एक मिरर लाइन है, ठीक है, यहां से ये रिफ्लेक्शन हो गया. ओके, द रिफ्लेक्शन इज द सेम साइज एज द ओरिजिनल इमेज. ऐसे ओरिजिनल इमेज होती है वैसे उसका रिफ्लेक्शन, सेम साइज, सेम शेप, सब कुछ सेम ही होता है. थर्ड, patterns are found in nature, shapes, set of numbers, geometrical design on clothes, quilts and on other objects. ये सारी चीजों पे patterns दिखाई देती है. Tilling means to fill a flat space like a floor or a wall with the tiles without any gaps or overlaps. Tilling मतलब जो walls होते हैं उसके ऊपर हम tiles लगाते हैं तो बिना कोई overlapping tiles लगाते हैं, ठीक है. That is what tilling is called. Another word for tilling is tessellation. Coding is a system of signals. Coding is used to transmit a secret message between the sender and the receiver. Coding मतलब एक system है signal भेजने, ठीक है. तो sender और receiver के बीच में जो कैसे बात होगी वो coding और decoding से होती है. Okay? So that's it. We are keeping up till here and we are done almost with this chapter. तो अब जो भी जितना भी मैथ्स लैब एक्टिविटी और मैथ्स कनेक्टेड दैट विल डू इट इन जूम क्लास. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.